Welcome to my YouTube channel. Let's study with Sangeeta Best. Subscribe and press the notification icon to see our videos first. Hello all, welcome back students. In today's video, we are going to do capacity to contract. It is the part of your Indian Contract Act 1872, right? So this is going to be your second last video of Indian Contract Act. I know ये बहुत lengthy हो गया, but let me tell you one thing कि आपका जो Indian Contract Act है ना, ये आपके examination में 15 marks, 15 to 17, you know, 15 to 20 marks का आता है. So अगर मैं 15 to total आपका paper होता है 75 marks का, है ना? So अगर मैं आपके 75 marks के you know paper में 20 marks का ये करवा रही हूँ, and इस 20 marks के करवाने से आपके you know 20 marks यहाँ पे fix हो रहे हैं. सो इसको टाइम देना इज़ नॉट अ लाइक यू नो कोई बुरी बात नहीं है, है ना? आई नो आप किस परस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं, कितना लगेगा टाइम, आई नो दैट, बट दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स, ठीक है? एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. यहाँ पे ये जो नोट्स है ना, ये मेरे नोट्स हैं, तो मैं उन्हीं नोट्स में से आपको समझा रही हूँ, ठीक है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेबिलिटी को कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, राइट? अच्छा, अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल्ड. अब हमने बोला कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो होता है कि जो इंसान कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट? लेकिन हम उस पर्सन को कब कैपेबल बोलेंगे, वो चीज़ है. तो उसके लिए आपकी कुछ कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं. कंडीशन क्या होती हैं? पहला कि पर्सन शुड बी मेजर. पर्सन क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए. मेजर का मीनिंग आप समझते हैं कि उसकी एज जो होनी चाहिए दैट शुड बी 18 प्लस, है ना? अच्छा, पहला कंडीशन ये है. सेकेंड है, पर्सन शुड बी साउंड माइंड. साउंड माइंड होना चाहिए एंड पर्सन नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ऑफ कोर्ट. मतलब लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल फ्रॉड वगैरह वगैरह के उस पर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए. तो दैट इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए. अच्छा, अ पर्सन शुड बी मेजर माइंड का मीनिंग, पर्सन शुड बी मेजर का मीनिंग क्या होता है? कि अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज मेजर एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग इफ देयर इज अ गार्जियन एंड इफ नो गार्जियन. मीन्स गार्जियन होते हैं तो अ पर्सन हैविंग एज इज़ ग्रेटर एंड 21, और अगर गार्जियन नहीं है तो आपकी एज जो मेजोरिटी की मानी जाएगी दैट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 18 ईयर्स. मीन्स ये ना देखो, नॉर्मली तो 18 प्लस होता है, लेकिन जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में है उसमें बोला गया कि अगर आपके गार्जियन हैं तो आपकी जो मेजोरिटी की एज मानी जाएगी जब आप 21 के या उससे ज़्यादा के हो जाएंगे एंड यू लिव विथ योर पेरेंट्स. सो उस केस में आपका जो है उसकी आपकी एज होनी चाहिए 18 या 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है? तो मेजर का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया. साउंड माइंड का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज साउंड माइंड इफ़ ही इज़ इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट. साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए बेसिकली. अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ, सो इन सिंपल वर्ड्स, वो पागल नहीं होना चाहिए. तो मतलब वो ऐसी सिचुएशन में हो कि ही कैन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो दिस इज इट. तो तीन चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है? पहला वो होना चाहिए मेजर. पहला होना चाहिए क्या? पहला होना चाहिए आपका, फर्स्ट शुड बी मेजर, सेकेंड शुड बी साउंड माइंड, थर्ड शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ओके, अच्छा ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या, इसमें ना कुछ नोट लिखे हुए हैं इसी चीज़ को यू नो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए. देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट माइनर हैविंग नो राइट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? एंड इफ माइनर एंटर इन टू
any contract, then such contract will be considered as void ab initio. मतलब उसे starting से ही void माना जाएगा, nullify माना जाएगा, which means from the very beginning. Void ab initio का meaning होता है from the very beginning से ही वो contract मतलब this एक तरीके से valid नहीं माना जाएगा from the जब से time offer हुआ है. ठीक है, ये चीज़ है, पहला point तो ये हो गया. इसमें लिखा है if contract as entered by the person during the period of minority will never be ratified even after attain the age of majority because minor contract always be treated as void ab initio. इसका मीनिंग क्या है कि सपोज आप मेजर हो, आपने तब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप मतलब आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा यू वर माइनर. ठीक है, लेकिन यू वर माइनर एट दैट टाइम व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब आप मेजर हो चुके हैं. तो वो बोल रहा है कि अगर आपने माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो ही माना जाएगा, नलीफाई ही माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता क्योंकि आपने माइनर के टाइम पे करा और वो वॉइड एब इनिशियो होता है, विच मीन्स नो एग्जिस्टेंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ठीक है ना, मतलब ये होता है कि बिल्कुल आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो कि आपने माइनॉरिटी में करा मेजर बन गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया. नहीं, आपने एंटर करा था व्हेन यू वर माइनर, तो वो वॉइड था ना, तो अभी भी वो वॉइड ही रहेगा. ठीक है, अच्छा अब ये रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है. रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है देयर आर टू टर्म्स, एक होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है रेटिफिकेशन. और जो हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रेटिफाइड, इट्स मीन रेटिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं. इसका मीनिंग होता है एक्सेप्टेंस या चेंज और करेक्शन ऑफ एरर. इसका मीनिंग ये होता है. ठीक है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, करेक्शन ऑफ एरर होता है खाली. एक तरीके से ये नैरो टर्म होती है, ये वाइडर टर्म होती है. तो जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ रेटिफिकेशन, नॉट रेक्टिफिकेशन. ओके, अच्छा नेक्स्ट. ओके एक वेट अ मिनट, ओहो अब देखो सेकेंड पॉइंट जो था आपका यहाँ पे पर्सन शुड बी साउंड माइंड होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है, और अनसाउंडनेस ऑफ अ पर्सन, साउंडनेस और अनसाउंडनेस चेक्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इवन आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इसका मीनिंग क्या है, देखो पहली कंडीशन तो आपकी थी कि पर्सन शुड बी ऑफ मेजर माइंड, पर्सन शुड बी मेजर, एंड सेकेंड इज पर्सन शुड बी साउंड माइंड, एंड थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. मेजर का मीनिंग तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या नोटिस आपके नोट्स थे. अब पर्सन शुड बी साउंड माइंड का मीनिंग क्या होता है, पर्सन को आप साउंड माइंड कब बोलोगे. देखो आप ना उसका साउंडनेस कब चेक करोगे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के पहले ना कॉन्ट्रैक्ट के बाद, आप चेक करोगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रहे हो. जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, मतलब आप ये नहीं चेक करोगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले पर्सन क्या था, वो नहीं चेक करोगे. आप चेक करोगे कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तब उसकी पोजीशन क्या है, तब वो साउंड है या नहीं. उसके बाद अनसाउंड हो जाए तो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट व्हेन द पर्सन इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड. ठीक है, अच्छा थर्ड हमारा था नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अब देखो नॉट डिस्क्वालिफाइड, any person get an imprisonment for a period of 6 months, then the person will not be appointed as the director for 5 years after cessation of imprisonment. इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को 6 महीने की जेल होती है ना, तो वो उसके बाद 5 साल तक की किसी भी 5 साल तक की किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है. जैसे 6 महीने की अगर जेल होगी तो आपके उसके बाद आप पे ये लग जाती है कि आप 5 साल तक किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो. तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मीनिंग ये है. ठीक है, अब देखो कुछ प्रोविजन रिलेटिंग टू माइनर्स हैं जो वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट अगर आप देखेंगे तो पहला है कि अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो, आपको पता ही है.
दूसरा माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी रेटिफाइड इवन आवर मेजॉरिटी, है ना, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है माइनर के टाइम, उसके बाद आप मेजर हो जाते हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाइड नहीं कर सकते हैं. माइनर कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ माइनॉरिटी, मतलब माइनर जो है वो एडवांटेज ले सकता है माइनॉरिटी का, क्योंकि उसको कोई पनिशमेंट तो होनी नहीं है. नेक्स्ट इज इफ़ एनी प्रॉपर्टी और मनी डिलीवर टू माइनर देन रिमेनिंग प्रॉपर्टी और मनी कैन बी कंपेल्ड टू रीस्टोर. ठीक है ना, मतलब अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी या मनी हम जो है वो डिलीवर करते हैं माइनर को, देन रिमेनिंग प्रॉपर्टी और मनी जो है वो आपकी कंपेल्ड हो जाएगी टू रीस्टोर पे. माइनर विल नेवर बी पर्सनली लाइबल, हैवर माइनर स्टेट विल बी लाइबल फॉर नेसेसरीज. मतलब जैसे अगर कोई फ्रॉड हो जाता है ना, तो उसमें सपोज माइनर था, वैसे तो पहले तो बात तो माइनर को मना था, लेकिन फिर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है उसकी वजह से कोई लॉस हो जाता है, तो माइनर को कभी भी लाइबल नहीं माना जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टिल हो सकती है लाइबल फॉर नेसेसरीज. नेसेसरीज का मतलब होता है बेसिक नीड्स के लिए, नेसेसिटी मतलब होता है रिक्वायरमेंट एज पर टाइम. सो देर इज़ डिफरेंट बिटवीन नेसेसरी एंड नेसेसिटी. नेसेसिटी इज यू नो रिक्वायरमेंट एज पर टाइम, लेकिन नेसेसरी जो होती है दैट इज़ बेसिक नीड. अगर माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, उसकी वजह से किसी को नुकसान होता है, ठीक है, तो वो खुद लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी से. कब लाइबल होगा? जब किसी इंसान की बेसिक नीड भी मतलब यू नो डिस्टर्ब हो रखी है, तो फॉर नेसेसरी हम उसकी जो है वो स्टेट को सीज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, माइनर कैन एक्ट एज एजेंट बेनिफिशियरी प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर एंड ट्रांसफरी. माइनर ये सब काम कर सकता है, ही कैन एक्ट एज एजेंट बेनिफिशियरी प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर एंड ट्रांसफरिंग. ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं, देखो ये तो था प्रोविजन रिलेटिंग टू माइनर, अब आ जाते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू लुनेटिक. लुनेटिक का मीनिंग क्या होता है? लुनेटिक मतलब होता है आपका अनसाउंड माइंड. क्या प्रोविजन है अनसाउंड माइंड से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं, क्या क्या प्रोविजन अनसाउंड माइंड से रिलेटेड. प्रोविजन एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर रिमेन सेम. जो प्रोविजन आपके माइनर में है वही इस चीज़ में भी है. ठीक है, जैसे कि प्रोविजन क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, मतलब यू नो वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग. नॉट पर्सनली लाइबल, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता. लाइबल हो सकता है इन केस ऑफ नेसेसरीज, मतलब हम उसको लाइबल ठहरा सकते हैं इन केस ऑफ नेसेसरीज ओनली. ठीक है, ओके, गॉट इट, अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे एक है सप्लाइड स्टेट ऑफ अनसाउंड पर्सन विल बी लाइबल. मतलब वही चीज़ इसी सेंटेंस को पूरा करा गया है कि इन केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड स्टेट ऑफ अनसाउंड पर्सन विल बी लाइबल, मतलब उस केस में नेसेसरीज में उसकी स्टेट लाइबल हो सकती है. ठीक है, अच्छा, चलो, ओके, वेट अ मिनट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर्स इज प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने बोला था आगे जाके यू नो मैं आपको इसको डिटेलिंग पढ़ाऊंगी, तो ये डिटेलिंग वही है. प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है? फ्री कंसेंट का मीनिंग होता है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्शन शुड ऑलवेज विद द फ्री कंसेंट दैट इज म्यूचुअली. फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी म्यूचुअली एक्सेप्ट होना चाहिए. ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेट टू बी फ्री. अब देखो फ्री कंसेंट का मीनिंग होता है म्यूचुअली, अगर कोई भी इनमें से नीचे वाले में से प्रेजेंट होता है तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता. जैसे अनडू इन्फ्लुएंस था आपका, क्रोजन था आपका, मिसरिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉड है, मिस्टेक है. तो अगर किसी में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये पांच चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्री कंसेंट नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि अनडू इन्फ्लुएंस क्या है, क्रोजन क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्रॉड क्या है. सो वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. ठीक है, चलो, अब देखो प्रोविजन रिलेटिंग टू आपका अनडू इन्फ्लुएंस क्या बोलता है.
condition for undue influence and relation under which such undue influence can be present. पहला तो condition क्या होता है undue influence का, दूसरा जिनके जहाँ पे undue influence present हो सकता है, ठीक है. अच्छा, पहला condition for undue influence, देखो इसमें ना ये थोड़ा सा यू नो लाइक ड्रॉप करने में प्रॉब्लम हो गया. वन पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, मतलब एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है एंड यूज़ द पोजीशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज. अंडू इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है, यू नो किसी पे प्रेशर बनाना, दबाव बनाना. एक पर्सन जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है और उस डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज़ किया जाता है अनफेयर एडवांटेज को लेने के लिए. डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है, किसी पे यू नो धौंस जमाना, उस पोजीशन पे खड़ा और वो धौंस जमा के उसका कुछ अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, उसका मीनिंग होता है अनडू इन्फ्लुएंस, ठीक है. अच्छा देखो क्या लिखा है, इन केस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, वॉइडेबल मानेंगे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वैलिड नहीं है, ठीक है. अच्छा अब ये इसमें मतलब किन रिलेशन में जो है ना, ये रिलेशन जो है यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस होता है. एक तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, देखो किन रिलेशन में अंडू, पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशन में अंडू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में अंडू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होता है, यू नो क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हैं, एम्प्लॉयर जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में, एडवोकेट एंड क्लाइंट, टीचर एंड स्टूडेंट एंड हस्बैंड एंड वाइफ. तो ये रिलेशन है जहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होता है. ओके सो देर इज नो डोमिनेटिंग पोजीशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वेयर बोथ स्टैंड्स इक्वली, मतलब वहाँ पे नहीं होता जहाँ दोनों इक्वली स्टैंड करते हैं. गार्जियन एंड माइनर के बीच में, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, सो दीज आर द रिलेशन वेयर यू नो अंडू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट. ये आपको याद रखने की, इन रिलेशन में अंडू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होता है. अच्छा रिलेटिंग टू वॉइडेबल का मीनिंग जैसे क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सफरिंग एग्री पार्टी एंड यू नो ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स वर्डेबल का मीनिंग होता है या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है. यहाँ पे तो वो वर्डेबल होता है, वॉइड का मीनिंग तो वैलिड ही नहीं होता. वर्डेबल का मीन्स यू हैव ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अच्छा यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस वन पार्टी यूजेस मेंटल मोरल प्रेशर ओवर द अदर पार्टी, देर इज नो फिजिकल प्रेशर इन अंडू इन्फ्लुएंस. मीन्स अंडू इन्फ्लुएंस में ना मेंटल प्रेशर इन्वॉल्व होता है, फिजिकल प्रेशर नहीं इन्वॉल्व होता. तो जहाँ मेंटल प्रेशर इन्वॉल्व हो, मेंटल, ठीक है, तो उसको हम अंडू इन्फ्लुएंस कहेंगे. फिजिकल प्रेशर को अंडू इन्फ्लुएंस नहीं बोला जाता. तो अंडू इन्फ्लुएंस में क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेशर, मेंटली पार्टी को दबाया जाता है, मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, फिजिकल प्रेशर नहीं होता. अच्छा अब क्रोजन क्या होता है, क्रोजन में आपका देखोगे सो देंस एंड क्रोजन, क्रोजन में जो होता है फिजिकल और मेंटल प्रेशर दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है. क्रोजन में फिजिकल और मेंटल प्रेशर दोनों इन्वॉल्व होता है, अंडू इन्फ्लुएंस में ओनली मेंटल प्रेशर इज प्रेजेंट. सो क्रोजन में आपका क्या होता है, मेंटल प्रेशर भी होता है, फिजिकल प्रेशर भी होता है. अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मे बी प्रेजेंट, पर्सन कमिटिंग एंड थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्टिविटी फॉरबिडन और हाइड बाय लॉ, मतलब वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कम लॉ मना करता है. इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, इट कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, यू नो अंडू और पर्सन डिटरमाइनिंग थ्रेट टू डिटरमाइन ऑब्टेन एनी अदर पर्सन प्रॉपर्टी इन एन अनलॉफुल मैनर, मतलब एक तो या तो वो क्या कर रहा है कि कोई अनलॉफुल काम कर रहा है जो लॉ ने मना किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी, दूसरा वो दूसरे की प्रॉपर्टी को खुद की लेने की कोशिश कर रहा है इन अनलॉफुल मैनर, ठीक है ना. अच्छा आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए नोट्स हैं इससे रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है. अ पर्सन इट्सेल्फ इंक्लूड द पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद द पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट.
If coercion is present in a contract, then agreed party having an option either to accept or reject the contract, which means ये भी क्या होता है, voidable होता है. देखो undue influence और coercion में क्या difference होता है, दोनों difference ये होता है कि आपका undue influence में mental pressure involve होता है, coercion में mental as well as physical pressure involve होता है, और दोनों ही voidable होते हैं. मतलब उनके पार्टी के पास ऑप्शन है कि पार्टी कैन एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अच्छा अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाता है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, यू नो कुछ गलती से मिस रिप्रेजेंट कर देना, जो करना चाहिए वो नहीं करा. एक होती है आपकी इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, एक होती है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम फ्रॉड भी कहते हैं. इनोसेंट का मतलब होता है गलती से हमने कर दिया, हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं थी उस चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करने की. दूसरा होता है विलफुल, उसका मतलब है हमने जानबूझ के किया, और जो जानबूझ के किया जाता है दैट इज़ नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ फ्रॉड. ठीक है, तो जानबूझ के करा है तो दैट इज़ फ्रॉड. अब इनोसेंट का मीनिंग क्या होता है, इनोसेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड सदर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली वेरीफाइड एंड बिलीव टू बी ट्रू. मतलब हमने ये जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए करी, लेकिन हमने ये वेरीफाई किया था कि ये ट्रू है. ठीक है, लेकिन फिर भी गलत निकल गई, तो दैट इज़ इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन. दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ अ इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट द अदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये तो जानबूझ के किया गया, मतलब ये वेरीफाई नहीं किया गया, बिकॉज ये जानबूझ के गलती करी गई है ना. यहाँ पे वेरीफाई होता है कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है. ओके, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब इसमें क्या हो, इसमें एक फ़र्क क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन में, इनोसेंट वाले में, कि नो इंटेंशन टू चीट अदर, मतलब दूसरे को चीट करने की कोई इंटेंशन नहीं. सच इन्फॉर्मेशन नॉट वेरीफाइड प्रॉपरली, हैविंग नॉलेज ऑफ परफेक्ट डिफेक्ट एंड इंटेंशन टू चीट, इन पर्सन को चीट करने की. ठीक है, एंड देन इन्फॉर्मेशन सो रिप्रेजेंटेड सब्सिक्वेंट बिकम डिफेक्टिव, मतलब वेरीफाई करी थी लेकिन सब्सिक्वेंटली वो डिफेक्टिव बन गई. ओके, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन यू नो मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट है या विलफुल है. अगर विलफुल है तो दैट विल बी योर फ्रॉड, अगर इनोसेंट है तो मिस रिप्रेजेंटेशन में ही काउंट होगा. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कि पार्टी कैन क्लेम एनी डैमेज और यू नो कंसील द कॉन्ट्रैक्ट और बोथ. अगर मैं बात करूँ इनोसेंट में, तो सफरिंग पार्टी कैन कंसील द कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड कैन नॉट क्लेम डैमेजेस. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से यू नो बोल सकती कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, लेकिन वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जो सामने वाले पर्सन है उसने इनोसेंट मैनर में करा था, उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी. लेकिन अगर आपने फ्रॉड करा है तो सुप्रीम कोर्ट कंसील भी कर सकती है और साथ में आपके डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन एग्रीड और सफरिंग पार्टी कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि ये भी वॉइडेबल में ही नेचर मानता है मिस रिप्रेजेंटेशन में भी. सिचुएशन अंडर विच ऑल्दो देयर इज इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन बट सफरिंग पार्टी कैन क्लेम डैमेज. सफरिंग पार्टी डैमेज क्लेम कर सकती है. इन केस ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी बाई टू, मतलब जैसे कंपनी, ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन होते हुए भी क्लेम कर सकता है. मतलब जैसे हमने पहली बात तो क्या बोली, यू नो आपका एक हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन है ना, दूसरा आपका हो गया फ्रॉड. तो हमने बोला कि मिस रिप्रेजेंट क्लेम नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को कंसील कर सकता है, बट फ्रॉड में दोनों ही कर सकता है. लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से भी आप क्लेम कर सकते हो, जैसे ना जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जैसे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी टू पब्लिक, यू नो शेयर इशू करते टाइम प्रोस्पेक्टस इशू करने में गलती हो गई, वो जानबूझ के नहीं करी, गलती हुई, लेकिन क्योंकि उससे सामने वाले को बहुत नुकसान हो गया है, तो इस केस में आपको मिस रिप्रेजेंटेशन है तब भी आपको क्लेम देना पड़ेगा. ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी,
in case of a disclosure of information as present in case of confidential relation. So these are the cases where in case of misrepresentation, person can claim damages as well. Okay. अब आ गया आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू मिस्टेक. प्रोविजन रिलेटिंग टू मिस्टेक क्या है आपके, कि आपका एनी एरो एक्सेट्रा प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट विच कांट बी रेटिफाइड देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी अफेक्टेड बाय मिस्टेक. मतलब कुछ गलती हो जाती है जिसको हम बाद में रेटिफाई नहीं कर सकते, उसे मिस्टेक कहते हैं. टाइप्स ऑफ मिस्टेक आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है बायलेटरल, एक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक. बायलेटरल मिस्टेक मतलब होता है जहाँ पे दोनों ही पार्टियां मिस्टेक में होती हैं, तो दोनों पार्टी अगर मिस्टेक में तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. लेकिन अगर एक ही पार्टी की मिस्टेक होती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में व्हाट डू यू थिंक, इट कैन बी वॉइडेबल. ये आपका वॉइडेबल हो जाएगा, है ना, ये आपका वॉइडेबल होगा. और अदरवाइज अगर दोनों ही पार्टी की गलती है तो दैट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो ये आपका मैंने सेकेंड लास्ट टॉपिक ख़त्म करा है. नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडरेशन करेंगे. आफ्टर कंसिडरेशन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक योर नोट्स एज वेल. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.